गिद्दा फिर सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ कुछ मूवीज़ के रिव्यू जो कि इसी साल 2022 में रिलीज़ हुई हैं। तो गाइस उसमें टोटल मूवीज़ नहीं है, सारी की सारी जितनी भी रिलीज़ हुई हैं कुछ ही हैं मेरी लिस्ट में जो मैंने देखी हुई है, और कुछ तो ऐसी हैं कि जो मैंने देख भी नहीं रखी है। तो मैं सारी मूवीज़ ले लेता तो फिर बहुत लंबी वीडियो बन जाती, तो इसलिए मैंने कुछ कुछ मूवीज़ ली हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना भाई। अपनी लिस्ट में जो सबसे पहले मूवी आती है वो आती है कश्मीर फाइल्स, क्योंकि जनवरी फरवरी में जहाँ तक है कोई मूवी नहीं आई थी। हाँ जहाँ तक मेरा ख्याल है जनवरी फरवरी में कोई मूवी नहीं आई थी, मैंने तो नहीं देखी भाई। और कश्मीर फाइल्स आई थी 11th of March को, और कश्मीर फाइल्स अल्टीमेट मूवी है भाई, बहुत बढ़िया मूवी है, नॉलेजेबल मूवी है, तो काफ़ी सही मूवी थी वो भी। उसके बाद आते हैं 11 मार्च हो गया ना अपना, तो अब आते हैं 18 मार्च को। तो 18 मार्च को थी होली, और होली वाले दिन आए थे अक्षय कुमार जी अपनी एक नई मूवी लेके जिसका नाम था बच्चन पांडे। भाई मैंने देखी वो मूवी, बहुत बढ़िया थी लुक्स में भाई, वो अल्टीमेट मूवी थी अक्षय कुमार के, क्या लुक क्या एक्टिंग करी थी उन्होंने, बहुत मस्त थी वो भी, बहुत बढ़िया मूवी थी। और फिर आते हैं अब अगली मूवी पे, जिस जो आई थी मार्च में ही आई थी, वो आने वाली थी पहले तो जनवरी में आने वाली थी, शायद 7th या 6th जनवरी में आने वाली थी 2022 में, लेकिन उसके बाद वो कोरोना की वजह से डिले होती चली गई। और फिर आई वो एट द एंड 25 मार्च को आ गई थी वो मूवी, और उस मूवी का नाम है RRR। भाई मस्त मूवी, अल्टीमेट मूवी भाई, बहुत खतरनाक मूवी थी, ऐसा एक्शन था उसमें, मतलब बहुत ही अच्छी मूवी थी, दोस्ती सब कुछ बहुत बढ़िया था उस मूवी में, मैंने देखी बहुत, पर्सनली मेरी तो फेवरेट मूवी बन गई थी वो, जब इस साल जितनी भी मूवी देखी थी जब मैंने वो देख ली तो वो फेवरेट हो गई थी मेरी। तो अब आते हैं अप्रैल में नेक्स्ट मूवी पे, जो थी 1st अप्रैल को आई थी अटैक, तो वो मैंने अभी तक नहीं देखी है, मैं खुद कह रहा हूँ वो मैंने अभी तक नहीं देखी है, और जॉन अब्राहम की वो मूवी है अभी तक नहीं देखी है, पर हाँ देखेंगे वो भी, काफ़ी सही मूवी बताते हैं उसे भी, काफ़ी लोगों से मैंने सुने थे उसके रिव्यूज़ देखे थे और काफ़ी अच्छी मूवी बताते हैं। तो उसके बाद आते हैं अब सीधा आ जाते हैं 18 अप्रैल को, जिस दिन आई थी KGF Chapter, गलत बोल दिया मैंने, 14 अप्रैल को आई थी, मैं गलत बोल रहा हूँ, 14 अप्रैल को आई अपनी KGF Chapter 2, और भाई ख़तरनाक मूवी, उसके जैसी मूवी फिर मैंने कभी देखी नहीं थी। RRR के बाद सीधा KGF देख रहा था भाई, मेरे तो सर ही लिया था उसका सन से, दो मूवीज़ ऐसी बैक टू बैक देख ली मैंने कि जिसके आगे कोई मूवी चल ही ना पाए, ऐसी मेरी सोच थी, पर भाई बहुत ख़तरनाक मूवी थी। तो उसके बाद थोड़ी दिनों बाद KGF बढ़ती चली गई, पैसा कमाती चली गई, और लेकिन फिर उसको रोकने के लिए आई 6 मई को डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। आई एम द बिगेस्ट फैन, मतलब बिगेस्ट फनी, मैं पर्सनली फेवरेट एवेंजर्स है मेरे, पता है मार्वल स्टूडियोज भी देखता हूँ मैं, MCU बहुत खतरनाक, तो डॉक्टर स्ट्रेंज की मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस आई, और उसने फिर KGF को थोड़ा सा थामा कि भाई यार रुक जाओ और भी मूवीज आती हैं, तो फिर उसने भी ब्लॉकबस्टर हिट मूवी वो भी मैंने देख रखी है, काफ़ी सही मूवी थी वो, मतलब भाई खतरनाक थी वो, तो डॉक्टर स्ट्रेंज का पहला अवतार से दूसरा अवतार बहुत ही खतरनाक था। तो उसके बाद आते हैं अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट मूवी, जो थी 20 मई को आने वाली Bhool Bhulaiya 2। तो गाइस ये मैंने कल ही देखी है लिटरली, ये जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 1 जून को ही वीडियो आ रही है, लेकिन ये मूवी मैंने कल ही देखी है रात को, भाई खतरनाक मूवी थी, काफ़ी सही थी। एक बार को मैंने ये सोचा हुआ क्या, एंड में मैंने ये सोचा ये हुआ क्या है, लेकिन क्लाइमैक्स खतरनाक था, जो भी था आई लाइक इट, कसम से बहुत बढ़िया मूवी थी वो। और बाकी यही थी अपनी मूवीज़ की लिस्ट जो कि अभी तक मैंने देखी है, उसमें से एक मूवी मैंने अभी तक देखी नहीं है अटैक, सारी मूवीज़ बहुत ख़तरनाक है, मेरे को पता है मैंने इसमें कुछ मूवीज़ मिस कर दी हैं, और
काफ़ी छोड़ दिए हैं, तो उसके लिए बुरा मत मानना। मैं तो जो लिस्ट मैंने बनाई थी, जो मैंने देखी है इस साल, वही दिखा बता रहा था मैं आपको, उसका ही रिव्यू दे रहा था। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, और लेकर आता हूँ मूवीज़ रिव्यू जल्दी से।